नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं व्रत के लिए मूंगफली की बर्फी बनाने जा रही हूँ। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना प्यार दें। मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए मैं एक छोटी कटोरी मूंगफली ली हूँ, आधी कटोरी में देसी घी ली हूँ और एक छोटी कटोरी में सिंघाड़ा के आटा ली हूँ और एक मीडियम कटोरी में चीनी ली हूँ। अब मैं गैस पे पैन चढ़ाकर मूंगफली को रोस्ट कर लूंगी 2 से 4 मिनट तक। उसे रोस्ट करने के बाद मैं उसे नीचे उतार कर ठंडे होने दूंगी, फिर उसके छिलके साफ कर लूंगी। और उसे मिक्सी में डालकर हल्का दरदरा पीस लूंगी रुक रुक कर। बर्तन में फिर मैं उसे निकाल लूँगी मूंगफली को। अब मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ, जो एक कटोरी चीनी है और एक कटोरी में उसमें पानी डालकर गैस पर मैं चाशनी को चढ़ा दूँगी और बीच बीच में चलाते भी रहूँगी। और गैस पर पैन चढ़ाऊँगी और जो देसी घी है मैं उसमें डालकर सिंघाड़े के आटे को मैं फ्राई कर लूँगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी। और गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम से भी कम होनी चाहिए कि वो हमारा जो सिंघाड़े के आटे हैं वो जले ना, इसलिए मीडियम से भी कम फ्लेम में मैं चलाऊँगी उसे। इसे 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर मैं उसमें पीसी हुई मूँगफली डाल दूँगी और उसे चलाऊँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 2 इलायची की पाउडर मैं उसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मैं 2-4 मिनट और पकाऊँगी उसे। अब हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है, जो एक तार की है वो तार बन रही है। अब मैं पैन में चाशनी को डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसे 5 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। अब मैं प्लेट में घी डालकर उसे ग्रीस कर लूँगी प्लेट को, जिसमें बर्फ़ी में जमाऊँगी। हमारा जो बर्फ़ी की जो मिक्सर है वो रेडी हो गई है, गाढ़ी हो गई। मैं अब उसे नीचे उतार लूँगी और ग्रीस हुए प्लेट में उसे मैं डाल दूँगी और मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, पिस्ता और बादाम डाल के उसे अब 15 से 20 मिनट के लिए मैं उसे छोड़ दूँगी जमने के लिए। 15 से 20 मिनट हो गई, अब हमारी बर्फ़ी जम गई है। अब मैं उसे बर्फ़ी के शेप में काट लूँगी चाकू से। अब हमारी बर्फ़ी रेडी हो गई है। फाइनली अब हमारी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी मूंगफली की बर्फ़ी रेडी हो गई है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर देखें और ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।